बसमिल्लाम्सम मैं हूं सैबिका आजमी आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब नाजीन बड़ी अहम खबरें आपके सामने मैं रखता हूं सबसे पहले जो हमारे ना अहल बदनीयत लोग हैं इन्होंने चीन को पाकिस्तान से हमेशा के लिए दूर कर दिया और हकीकी मानों में कश्मीर हमारे हाथ से चला गया मैं आपको सबूत देता हूँ तफसील बताता हूँ पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा मुनफरद लॉन्ग मार्च जो बाकायदा तौर पर शेड्यूल्ड लॉन्ग मार्च और इस लॉन्ग मार्च में क्या होने जा रहा है बड़ी इंटरेस्टिंग मालूम है सदर आरिफ अलवी ने बिलाशुबा एक बड़ी ज़बरदस्त चाल चली है जो मौजूदा हुकूमत के साथ हाजिस भी बुरी तरह फंस गए हैं अभी इसकी आपको मैं थोड़ी सी वजा, वजाहत करता हूँ इमरान खान की जो ऑडियो लीक में इन्होंने अभी जो दो नंबरी की अभी दस मिनट पहले अभी इन्होंने शुरू की वीडियो इस ऑडियो में इन्होंने टिक्कर जोड़ कर बताया कि इमरान खान एम एन ए खरीद करदम एतमाद की तहरीक में अपनी वजारत ऊमा बचाने की कोशिश करें। इन लोगों को याद नहीं है कि अभी इमरान खान ने इलेक्शन की पीक पर अपने पच्चीस एम पी ए पैसे लेने के चक्कर में फ़ारिग कर दिए थे तो ये लोग जितनी मर्जी इस तरह की दो नंबरी ऑडियो आड, लिक्स बनाते रहे अब मामला चुके अदालत में अवाम की अदालत में जा चुका है और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूँ आप हैरान होंगे कि मार्शल लगाने की तैयारी की जा रही बिलाशुबा जनरल बाजवा ये कहते रहे मैं रिटायर हो रहा हूं मैं जा रहा हूं लेकिन इस्लामाबाद को कंटेनरों की भरपूर आमद राना सनाउल्ला के मंगाए हुए आंसू गैस वाले वो ड्रोन जो इसराइल फलस्तियों पर इस्तेमाल करता है वैसे उन्होंने इसराइल से ही होंगे क्योंकि इनकी अब फिलहाल ताल्लुक बेहतर हो गए बहाल हो गए सॉफ्टवेयर जासूसी के मंगवाएंगवा लिया होगा हकूत को साफ नजर आ रहा है कि इमरान खान ने इस्लामाबाद पहुंचकर इनकी बारह किलोमीटर की हुकूमत को उठा के परे मारना है तो उसके जवाब में अब ये मुल्क में मार्शला लगाने की तो अगर आपको जल्द ही पाकिस्तान टेलीविज़न पर ये मेरे अजीज़ हम वतनों करते हुए नज़र आए तो आप हैरान ना होइएगा मेरी बस याद रखिएगा आपने भाई का बात बता दी थी आपको काफ़ी पहले दुश्मन इस वक्त बहुत बुजदिल है इमरान ख़ान का मसला ये है देखें हुसैन नवाज़ की मैं बातें सुन रहा था कि मैं अपनी बहन से उस दिन मुलाकात हुई जब मियाँ साहब के साथ वो पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जेल ले जाया गया बड़ी तकलीफ़ हुई वरना पूछे कि खून के आप आंसूर होते थोड़ी हिम्मत करते अपनी बहन के साथ आते उसको हाथ लगाने वालों के हाथ तोड़ते बहन की जगह खुद जेल जाते अब किस तरह के मर दो आप लोग वहाँ पर टी पर बैठ के कहते हम शीरा बेनिफिशरी हैं अच्छा मेरी कल की वीडियो पर लोगों ने मुझे बहुत सारे सवाल पूछे कि जनरल बाजवा के साथ किधर है हुसैन हकानी आप वैसे ही कह रहे हैं अल्लाह का शुक्र है कि आज उनकी तस्वीर भी वो जारी होगी और मजे की बात यह है कि हुसैन हकानी इसमें बाजवा साहब के साथ नहीं बैठा हुआ बल्कि अमेरिका के साथ बैठा हुआ है इसमें वो पाकिस्तान और अमरीका दोनों की नुमाइंदगी रहा है अब सुप्रीम कोर्ट और ये जो एस्टेब्लिशमेंट है आई बी आई एस आई वो तमाम लोग बड़े खुश होंगे जिन्होंने इसे पहले गद्दार करार दिया था अब इस्टेब्लिशमेंट के वो तमाम लोग इसे अब वतनी का सर्टिफिकेट अपने हाथ से देंगे और सबसे बढ़कर तो देखें जो कल तक गद्दार थे वो आज वतन बन चुके हैं जो अब वतन थे गद्दार थे अब इन्होंने जो सर्टिफिकेट इसको दे दिया तो मुझे लगता है कि अगला जो वज़ी खारजा आपको नज़र आएगा वो हो सकता है यही हो क्योंकि अब ये बातें खुलकर सामने आ गई हैं हाजी साहब क्यों मार्शल आ लगाएँगे और उनके साथी क्यों उनके साथ है कि मर्ज़ी से अपनी नहीं जा रहे इनके मालिकान ने हाथ उठाया इन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि मैंने क्या तबाही चढ़ाई है मैं अपना कुफारा अदा करने के लिए मीशत की बेहतरी करने के लिए दोस्त ममालिक पैसे पकड़ने के लिए या फैक्ट्रियाँ चलेंगी हमारी या फैटा से निकालेंगे ये करने के लिए लोगों को तासर देते रहे चाहे अमरीका में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बताते रहे कि जी मैं अपनी लॉबिंग करता रहा हूँ मैं मीशत से लेकर अब तक पाकिस्तान के लिए बहुत खदमत अंजाम देता हूँ लेकिन अवार्ड इन्हें सारी दुनिया से मिले वाए पाकिस्तान से बंद कमरों में अमेरिका ने हाजी से हाथ उठा लिए माजरत कर लिए कहा हम आपके किसी एडवेंचर में शरीक नहीं है और नवाज शरीफ भी इवन यही चाहता है कि एक नया फ्रेश आर्मी चीफ लगाया जाए जिन जर्नलों ने हाजी का साथ दिया उन पर अब नवाज शरीफ एतमाद करने को तैयार नहीं है इसलिए वो तमाम जर्नेलों को घर जाना पड़ेगा मतलब उनकी सियासत भी खत्म और नौकरी भी तो वो ये करने नहीं देंगे मार्शल लगेगा इसीलिए आर एफ अलवी का जो पार्लियामेंट का इजलास का यह खिताब था इमरान खान की तैयारी है इसके जवाब में देखें उन्होंने पूछा कि इलेक्शन का साल है तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन अपने तो वक्त में होंगे नीचे से जो फ्लोर पर लोग कह रहे थे सदर पाकिस्तान दुनिया को एक पैगाम देना चाह रहा था कि देखिए हम लोग ये करने जा रहे हैं ये हमें मारशाला की तरफ लेके जाएंगे रोकेंगे शहबाज शरीफ के खिलाफ जो अदम एतम की तहरीक आएगी अब देखें इस आदम एतम में बेशक हुकूमत के पास बेशक नंबर पूरे चंद नंबरों का फ़र्क हो उसके बावजूद ये उस वक्त तक फाइनल नहीं हो सकती जब तक शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ नहीं लगा सकता जब तक ये अदम एतम फ़ाइनल ना हो इसका मतलब इसी तनख्वाह पर गुजारा तो वो करेंगे नहीं मार्शल आ की तरफ जाएंगे हाजी सब खुल कर सामने आएंगे इस तरह जिस पर्दे के पीछे सारे लोग छुपे हैं जो मास्क इन्होंने पहने हुए हैं क्योंकि देखें अदम अतमाद के वोट का जो ही मुतालबा आएगा साथ ही चीखें शुरू होंगी चीखें शुरू होंगी ये काम संभाल नहीं सकेंगे अब वजी दफा ख्वाजा आसिफ की आप घटिया जबान देखें इसी वजह से वो हजिया के वो गगया के जो बोल रहा है कि सदर मामलों का जो सुप्रीम कमांडर है अफवाज का उसके बारे में जो आवाज़ और जबान इस्तेमाल कर है इसी लिए कर रहे हैं तो पता लग रहा है कि ये किस तरफ जा रहा है मामला इस जैसे शख्स से अलग आरिफ एफ अलवी ने हलफ ले लिया हाल जो मेरे ख्याल में गलत था लेकिन सदर तो वजे अजम की आपको पता है एडवाइस का पाबंद है जो एडवाइस इमरान खान ने भेजी थी उसकी रोशनी में आरफ़ अलवी ने फैसला किया वफाक की इलामत है लेकिन अब यह मजबूर कर रहे हैं कि मामला उधर जाएँ कि मेरे अजीज हम वतनों को मौका मिले ये बिल्कुल आएंगे हालांकि कोशिश बड़ी हो रही है रोकने की मैं आपको अभी बता रहा हूँ कुछ चीज़ें कल के लिए छोड़ देता हूँ अभी इन्होंने कश्मीर की मैं आपको बात करूं किस तरह सौदा लोग कहते जी सौदा फलाने कर दिया फलाने बेच दिया फलाने ये देखे सबूत आप सुने आपको खुद अंदाजा हो जाएगा किसने क्या किया है हकीकी मानों में आप कश्मीर को भूल जाएं क्यों उसकी वजह यह है हिंदुस्तान ने सारी दुनिया को हैरान परेशान किया जो उन्होंने हरकत की अकवाम मतहदा में बरतानिया कैनेडा और अकवाम अमरीका समेत तमाम का एक फैसला कन मरहला था चीन पर अयुगर मुसलमानों के हवाले से एक बड़ी करारदाद पेश की अयुगर आपको पता है क्या है जिस तरह हमारे लिए कश्मीर है अमरीका और मगरबी ममालिक ने बरसा बरस में मेहनत की उसमें अचानक एक ट्विस्ट आया जब हिंदुस्तान और यूक्रेन ने अब करके इस पर वोट देने से इनकार कर दिया वो सारे ग्यारह मजीद थे ये सोलह साल तारीख में अकोम मुतहदा की पहली मरतबा हुआ है कि अमरीका की करारदाद रिजेक्ट हो जाए और हिंदुस्तान ने बिलवास्ता चीन की मदद कर दी अब चीन के क्याम की सालगर तिरहत्तरवीं साल सालगर बहुत बड़ा आपको पता है तोहफा पेश कर दिया बॉर्डर का जो तनाज़ा था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का फौजों को हटाने का वो भी मुकम्मल हो चुका तो दोनों क्लोज आ चुके हैं चीन हिंदुस्तान पाकिस्तान ने क्या काम कर दिया है और अमेरिका को बहुत बड़ा झटका मिला है उसकी वजह ये पाकिस्तान के साथ जुड़ने की कोशिश और आपको पता है अब उनका जो, जो मौका था कश्मीर के हवाले से आप जरा सोचें कि चीन वायद मुल्क था जो खड़ा था इनके साथ कश्मीर के मौक अब वो क्या मुखालफत कर सकेगा और ये क्रेडिट दें आप इसको बिलावल जरदारी को इसने की है ये सारी मदद मतलब हिंदुस्तान की ऐसी पॉलिसी इन्होंने तरतीब दी कि पाकिस्तान अपने तमाम हमसायों से हाथ धो बैठा इस पूरे खिते में चीन से ज्यादा हमारा कोई हमदर्द दोस्त नहीं था अब देखें अब स्पेस प्रोग्राम हो कॉन्फ्रेंस हो तजारती रवाबे हो नए डील्स हों इसमें पाकिस्तान को बुलाने की जहमत ही नहीं करे चीन ने अफ्रीका एशिया अमरीका इन तमाम वाले एक अरब एक खरब डॉलर इन्वेस्ट किया ट्रिलियन इतना पैसा लगाया और ये वायद मुल्क है जो अमरीका समेत बड़े बड़ी इकोनॉमीज को इस वक्त संभाले हुए हैं जहाँ दुनिया इस वक्त दो शरीर आठ खरब के फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ जा रही है चीन वो वायद मुल्क है जिसके पास फालतू में पैसा पड़ा हुआ है लेकिन हमारी नाअहली और कम वक्त लोगों की हुक्मरानी देखें न्यूट्रल्स की इन्होंने सारे का सारा काम बिगाड़ के रख दी खैर आप इसी तरह की दूसरी बात आप सुने कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि वो कुछ खुवात जो बाल शाल काट रही हैं क्यों उसके लिए मेरी एक वीडियो मेरे पास एक पड़ी है मेरी वेबसाइट पर क्योंकि वो आप सोशल पर नहीं लग सकती सोशल मीडिया से तो आप देखें ईरान में जो एहत मामले पर वो खातून जो बाईस साल है मामला क्या है वो वीडियो आप देखेंगे उसके नीचे सब टाइटल हैं आपको अंदाजा हो जाएगा कि अमेरिका और इसके हिजाब के नाम पर यह इसराइली जासूस वहाँ पर क्या गेम कर रहे हैं किस लेवल तक वह मामला ले गए कि बाल काट के वो दिखा नहीं सारे अगर ये मामला खुदा ना ख्वासा पाकिस्तान में होता तो ओहो हो आप सोच नहीं सकते क्या हो जाता इन लोगों ने तो अभी तक वहाँ कंट्रोल किया हुआ है लेकिन अब इस खान की वो हरकत आपने पूरी देखनी है मामला तो वो वीडियो जरूर चेक कर लें मेरी वेबसाइट पर पड़ी है अब जो अलताफ़ हुसैन के बारे में लोग भी बात कर रहे हैं कि भाई आप इस हाक डार को बहत्तर करोड़ तनख्वाह जो कह रहे जी नहीं दी लेकिन मुझे बका यकिन दी होगी उसे अलताफ़ हुसैन को भी माफ़ कर दें बल्कि उसके जो पिछले बारह सालों का जो कराची में उसका जो भत्ता मिल वसूल होना था जो नहीं किया उसने वो भी इसको वापस मिलना चाहिए भई आपने इसको कर दिया इस हाक डार को तो उसको क्यों नहीं जिस तरह पाकिस्तान तो क्या मेरी लंदन में प्रॉपर्टी नहीं मरियम ने नवाज़ ये कहती थी अब एवन फीट के फ्लैट के अंदर वो घुस के शेर का नारा लगा के गई ये तमाम चाहता उल्टे हाथ का हमारे निज़ाम अदल पे और हाजी साहब को इन तमाम करता धरता लोगों को जिन्हें गैरत का लफ्ज़ समझ नहीं आता आज देखें इनको देखकर वो जोगेंडा की जमीनी अफवाज का कमांडर है लेफ्टिनेंट जनरल मोहिजी नाम मोहिजी मोहजी नाम इसका उसकी एक ट्वीट देखें उसने कहा कि मैं इटली की जो अभी हालिया इलेक्शन जीती है अजम जॉर्जिया मालोनी कहता है मैं सो सौ गायें दूंगा मेरे साथ शादी करें वरना मैं मैटली भी हमला कर दूंगा फिर उसके वालिद ने जो सदर ममलखत है उसको उदे से हटा दिया सारे बाप बेटों ने बांटे हुए दे लेकिन मुशीर अभी अपना उसको रखा हो इस शख्स के छः लाख फॉलोअर है मैं समझता हूँ कि ऐसे ऐसे नमूने जोगेंडा माली जबूती चाड़ नाइजेरिया श्रीलंका और पाकिस्तान हमें ही क्यों मिलते हैं कि ताकत के नशे में ये इतने अंधे हैं कि इनके लिए जो आवाम है भेड़ बकरियाँ ये जो दिल आए कर दें डिक्टेटर फिल्म देख लें आप ऐसे ही है वो खुद अंदाजा करें आपके पिछले साल हम लोग अफगानिस्तान को गंदम दे रहे थे वहां पर कहत का खतरा था इमरान खान ने उनके लिए दो मरतबा ओ आई सी का इजलास करवा के पैसा इकट्ठा किया ठीक है एक साल बाद आज सूरत हाल ऐसी है कि हम अफग़ानिस्तान से गंदम मांग रहे हैं पाकिस्तान मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें रूस से सस्ती मिल चुकी है वह अपनी उनकी जरूरत से ज्यादा है तो वो पाकिस्तान चाहते हैं उनसे खरीद ले और आगे से उन्होंने भी कहा कि कीमत भाई दुगुनी होगी जिस तरह इन्होंने कोयला जब हमें चाहिए था अभी रिसेंटली तो उन्होंने दुगना कर दिया क्योंकि उन्हें पता है इन्होंने कौन सा अपनी जेब से देने हैं मांगने निकल जाएंगे कहीं ना कहीं से पैसे पकड़ के दे देंगे पाकिस्तान का फाइनेंस सेक्रेटरी हामद याकूब कह रहा है कि हुकूमत ने बाईस अरब जो पेट्रोल उसकी लेवी इकट्ठी की है जुलाई और अगस्त में जबकि सालाना टारगेट था आठ अरब फर्क देखें आई एम एफ से अब इनकी शदीत नाराजगी हुई क्योंकि जो गेम करके इन्होंने वक्ती तौर पर पेट्रोल की कीमत कम की है उस मुआदे की खिलाफ वर्जी है जिस पर खुद इनका अपना वजीर मिफ्ता इसमाइल कह चुका है कि इस हाक डार के आने की वजह से ये जिसका रैकलेस एटीट्यूड है ये आपको शदीद मुश्किल का शिकार करेगा दूसरे मानों में ये इमरान खान के लिए बारूदी सुनोंगे इन्हें तो कुछ नहीं हो ना तो फारे गए तो जा रहे हैं अगले तीन महीनों में छह शिरया छह बिलियन डॉलर की हमने लोन पेमेंट करनी है और इस पेमेंट के लिए पाकिस्तान ने बड़े हाथ पैर मारे हैं अब तक इन्होंने मुश्किल से चार शेरिया पांच बिलियन इकट्ठा किया है और उसमें सलाब जदगान के जो माल है सारा इन्होंने उसमें डाल दिया है लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा कुछ भी नहीं मिल रहा ओपेक ने जो ऑयल की प्रोडक्शन कम की तेल की की अभी आप देखेंगे पेट्रोल की कीमतें नवंबर में ज्यादा होंगी एल के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में इनको किसी ने मुंह ही नहीं लगाया गंदों में इन्होंने खरीदी कोई नहीं और हालत यह है कि जो मोडीज की रेटिंग है सी ए ट्रिपल ए इकोनॉमी हमारी फुल रिस्क में है मार्च में हम बी पर थे याद रखें अब हम किधर सी प्लस पे जा चुके हैं इन लोगों का एक ही दावा था कि साग डाल आएगा सब ठीक कर देगा और वो एक अकाउंटेंट है मुंशी जिसे कहते हैं उर्दू में उसे मीशत का क्या पता हुआ? वो इकोनॉमिस्ट नहीं है ये शख्स कहता है इस वक्त पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट दुनिया कर रही है उसे पाकिस्तानी रुपयों में करना चाहिए अब यह जहल इंसान को इतना अंदाजा नहीं कि जो तजारत होती है ट्रेड होती है वो डॉलर में होती है एक्सपोर्ट हमेशा डॉलर्स में होती है इस रुपयों में नहीं होती जब तिजारत दो ममालिक के दरमियान आपस में लेन देन हो बाहमी लेन देन हो दो तो उसमें जैसे रूस के साथ पाकिस्तान करने जा रहा था जी इन्होंने होनी नहीं दी हालांकि मुश्किल काम था बड़ा अब ये इमरान खान की एक करोड़ नौकरियों पर मजाक उड़ाते रहे कि एक करोड़ नौकरियां नहीं दी और कम से कम पचास लाख लोगों को इमरान खान ने एक हफ्ते में तो नहीं बेरोज़गार कर दिया सोलह सौ फैक्ट्रियाँ बंद करके ये तो जो पचास लाख लोग ये इमरान खान ने ही रोज़गार दिया था इनकी तोक़ो ये है कि ये अब पचास लाख जो निकाले हैं इनको इमरान खान अगली हुकूमत में आके चपड़ासी लगाए तो फिर हम कहेंगे जी नौकरियां पैदा होंगी और नौकरी देना क्या सरकार में किसी को पटवारी लगाना चपड़ासी लगाना कलर लगाना नहीं है इदारों में का काम नौकरियों के मौके पैदा करना है जो इमरान खान ने इस इन्वेस्टमेंट इस एक्सपोर्ट्स के जरिए किया पचास लाख लोग ये इन्होंने जो निकाल दिए एक्सपोर्ट की नौकरियों से तो यही तो रोजगार था अब पचास लाख ये निकाल देंगे किसान अब प्राइवेट सेक्टर का चौकीदार हो या आपका क्लर्क हो रोजगार तो रोजगार है इमरान खान ने वाकई एक करोड़ नौकरियां पैदा की थी ये सारा सबूत है आपके पास कि ये पचास लाख जो इस महीने में फारे हुए एक्सपोर्ट तो पहले से फारे थी इन्होंने वहीं से शुरू किया जहाँ से उन्होंने तबाही चढ़ाई तो ये रोज़गार तो इमरान खान ने ही पैदा किया था अब लोगों को अंदाज़ा हो रहा है अब पूरी दुनिया के मीशत दान जो हैं और एक्सपर्ट्स हैं वो एक तरफ और इनका इसहाक डार एक तरफ मोदी कह रहा है जी पाकिस्तान की मीशत की ग्रोथ इस साल जो है जीरो से भी नीचे जाएगी माइनस में चली जाएगी और जो तीन महीनों का एवरेज अगर आप निकालें तो वो सी हमारा को बनता है पच्चीस ये पाँच परसेंट बढ़ेगा मीशत के सुकड़ने से बेरोज़गारी मजीद फैलेगी और बेरोज़गारों पर जो महंगाई का प्रेशर है वो मजीद बढ़ेगा ये कहता है जी मैं 200 से कम डाल कर दूंगा यहां पर देखें हालात ये है कि सऊदी अरब में प्लास्टिक ख़त्म करने के लिए वो मोबाइल फ़ोन लेकर उन्हें गरीब बच्चों को वहां इलाकों में दे रहे हैं तालीमी मकासद के लिए उमान दो तक डिजिटल हो रहा है दुबई कतर ये सारे जो ममालिक हमारे पूरे रीजन में सब डिजिटल मुल्क बन चुके हैं उनकी सियाहत उनकी टेक्नोलॉजी उनकी जो तेल की तजारत मुख्तफ उनके जो कारोबार है कहाँ से कहाँ पहुँच गए हिंदुस्तान में आप देखें कि वहाँ पर जो बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डोमिसाइल से लेकर हर कागज़ आप घर में बैठे बनाएं तमाम के तमाम स्कूल डिजिटल और तो और बिजली वहाँ पर 200 यूनिट से कम मुफ्त में मिलती है और इनकी तबाही बर्बादी देखें इनकी मैंने आपको कल बताया था एक और कीनिया एक मुल्क चीन उसको अपने स्पेस प्रोग्राम में लेके जा रहा है कीनिया को साइंस टेक्नोलॉजी में कहाँ से कहाँ पहुँच गए इधर दो खानदानों की ये जो बीमारियां हैं मरियम ने अपनी छोटी करवाने के लिए सर्जरी वो लंदन का जो रुख किया जरदारी के प्राइवेट अस्पताल के बाहर जहाज़ 24 घंटे खड़ा है कि जिस वक्त निकलना हो लंदन निकल जाए उनके पेट में गैस हो ये भाग कर लंदन चले जाते हैं इनके मुल्क में अस्पताल एक नहीं है इनके लिए ये दो खानदानों के मफादात के नाम को तहफ़ को जमहूरियत कहते हैं पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला और एक ये दो खानदान और एक अदारा कुछ बड़े जर्नेल कुछ जजेस इनके हमनवाज और छोटे मोटे सहाफ़ी और मीडिया के मालिकान ये अगले सौ साल तक भी यही वारदात डालते रहेंगे जब तक आवाम उठेगी नहीं लॉन्ग मार्च तैयार है कंटेनर तैयार है मार्शला भी तैयार है अब फैसला आवाम ने करना है अपना ख्याल रखें मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़ें हाफिज़